हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुरुक्षेत्र लोकसभा के पूर्व सांसद लोकतंत्र शिक्षा पार्टी के सुप्रीमो राजकुमार सैनी शाहबाद अपने कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए मोटर व्हीकल एक्ट पर खूब तंज कसे। देखिए, ये हिटलर शाही कई सरकारों ने पहले करके देखी और मुंह की खानी पड़ी, और बीजेपी को भी इसमें मुंह की ही खानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे देश के अंदर वो जानकारियां और वो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जिसके ऊपर ये कानून लागू हो सकते हैं। जब हमारे देश के अंदर ना रोड के गड्ढे भरे हुए, ना कोई जानकारी, बच्चों को लोग जो अपने घर के किसान के ट्रैक्टर को खेत में चलाने की जिस प्रकार की उनकी रुचि होती है, उसी प्रकार के पूरे प्रदेश के अंदर टू व्हीलर एक्ट के अंदर बच्चों की रुचि रहती है। लेकिन डे फर्स्ट से ही बच्चों को जानकारी देना, उनके पेरेंट्स को आगाह करना और उसी के मुताबिक रोड रूल प्रदेश के प्रशासन से लागू करना, जब लोग अनेकों रोड रूल को वायलेट करके जो है ना रिश्वत लेकर के लोग छोड़ते चले आए, उसी प्रकार का धंधा ये आज उससे चार गुणा भ्रष्टाचार का एक कारण बन जाएगा। लोग बुरी तरह से इसमें लूटेंगे और अफसरशाही इसमें अपने हाथ रंगेगी और लोगों को जितना रोज जिल्लत का सामना करना पड़ेगा, इससे पूरे प्रदेश की जनता दुखी हो रही है। सरकार को ये हिटलर शाही बंद करके इसको रूल को वापस लेकर इसको लिबरल लेके आए, ताकि हमारे हिंदुस्तान में जो 133 करोड़ जो लोग हैं उनके मुताबिक ढांचा यहाँ नहीं है जी। जिन लोगों के पास 3-3 करोड़ लोग हैं उनके तो रोड रूल लागू हो सकते हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर तो ना तो वो प्रशासन के लोग और ना हमारे देश की जनता इस बात के लिए तैयार नहीं। क्या इसको आर्थिक मंदी दो? देखिए, ये सरकार ने सोचा कि शायद हम मोटे चलान काट करके सबकी जेब काट लेंगे और आर्थिक मंदी को दूर कर देंगे। इतने देर में तो सरकार को दूर करने का लोग प्लान बना चुके हैं। तो क्या कहोगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी अपने देश के अंदर कहीं भी रैली करें, ये तो उनके क्षेत्राधिकार में है, लेकिन जिस प्रकार से हमारे प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी और भेदभाव का आलम रहा, हमारे प्रधानमंत्री ने पूरा हरियाणा जला इसी रोहतक में, एक शब्द तब नहीं बोलना। और आज अगर उन लोगों को जो 17 लोग बैकवर्ड के मरे, अगर यहाँ आकर के रोहतक के लोगों के ऊपर मरम लगाना ही है तो उन लोगों को भी कुछ नौकरियां और कुछ जो हरियाणा उनका जो उनका नुकसान हुआ मुआवजा उनको दे, अन्यथा लोगों के चेस्ट के ऊपर और नमक छिड़कने का कोई फायदा ना है। कहीं सरकार खड़ी नहीं दिखाई दी गई इसी रोहतक में जब आग जली हुई। देखिए, बीएसपी से अब जनता का विश्वास इसलिए खत्म हो चुका है कि वो बिन विचारधारा के जिस भाव के साथ वो दलित और पिछड़े का की विचारधारा लेकर खड़ी हुई थी कांग्रेस के खिलाफ, अब कभी जेजेपी में, कभी कांग्रेस में, कभी कुलदीप बिश्नोई के साथ जो लोग जिन लोगों के खिलाफ बोल बोल करके बसपा खड़ी हुई, अगर उन्हीं के नीचे जाकर के अपने लोगों को बार बार बेचने का प्रयास करेंगे तो लोग विमुख होकर के इस पार्टी का अब अंतिम क्षण है। अगर पार्टी को अस्तित्व बचाना है तो अपने मूल विचारधारा दलित और पिछड़े के साथ वापिस आकर के उस पार्टी से आप अपना तालमेल बिठा सकते हैं जो हरियाणा में दलित और पिछड़ों के उत्थान के लिए जद्दोजहद कर रही है। ये भी एक सीट के ऊपर दो ड्राइवर है, जिस सीट के ऊपर दो ड्राइवर बैठे होते हैं, जिस गाड़ी की ड्राइविंग सीट के ऊपर दो ड्राइवर होते हैं, वो कहीं भी एक्सीडेंट हर रोज करती है।
अब यही एक्सीडेंट पहले चल रहा था और इससे भी ज्यादा खतरनाक एक्सीडेंट, अब क्लच किसी के हाथ में और स्टेरिंग किसी के हाथ में, तो ये बस समझो अंतिम क्षणों में कांग्रेस चल रही है। तो हम 90 की 90 सीटों पे मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ेंगे और जनता के सामने सरकार की पोल खोल करके ये बताएंगे कि जो खट्टर साहब सबका साथ सबका विकास का नारा दे रहे हैं, वो जनता को ये बताएं कि दलित और जो बैकवर्ड क्लास है वो 2009 में 12% की हिस्सेदारी में थी, कांग्रेस ने शोषण किया, उसके बदले में बीजेपी को सपोर्ट किया 2014 में, और आज बीजेपी के 5 साल निकल जाने के बाद वही 12% में है। तो सबका साथ सबका विकास का मतलब था या तो 52% लोगों को 52% हिस्सेदारी में मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करते, अन्यथा सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पारित कर, जो किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पूर्णतः लागू करते, 27% को लागू करते, और अगर ये 5 साल के बाद भी बीजेपी ने 1% में इसमें बढ़ोतरी नहीं की तो इस खोखले नारे को लेकर के आज भी हरियाणा जलाने वालों को 8.5 लाख रुपये पर पेशी, मनोहर लाल खट्टर की सरकार गुंडा टैक्स के रूप में दे रही है कि तुम बड़े से बड़ा वकील करो और गरीबों का हक लूट लो।